मेरी बताए इस तरीके से वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी थाइस की जितनी भी एक्स्ट्रा चर्बी है यानी जो एक्सेस फैट है, चाहे वो आपके बूटी पर है या आपके इनर थाई पे है या आउटर थाई पे है या काफ मसल पे है, सब फैट बहुत अच्छे से रिड्यूस होने वाला है। बस आपको पानी की भरी हुई 1 लीटर की वाटर बॉटल लेनी है और एज इट इज मेरा वीडियो स्टार्टिंग टू एंड फॉलो करना है। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिसको करने में आपको बहुत मज़े भी आएंगे और इफेक्टिव हद से ज़्यादा होगा। मात्र 15 दिन में आपको आपके थाइस में ह्यूज डिफरेंस फील होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी रहते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो पाता है, जिससे कि आप अंदर से तरोताज़ा और जवान फील करते हैं, पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन भी यहाँ तक कि दूर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा सेशन। एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, 1 फीट को आपने आगे रखना है, वाटर बॉटल को इस तरीके से हम होल्ड करेंगे राइट, देन उसके बाद में आपका जो अदर लेग है ना उसका पूरा पंजा आप जमीन पे टिकाएंगे, देन उसके बाद स्लाइटली से नीज बेंड करेंगे और अपनी बॉडी को हम कमर को अंदर की तरफ बेंड करते हुए हमारा जो फ्रंट एरिया है, चेस्ट शोल्डर एरिया है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, जिससे कि कहाँ लोड आएगा, बेसिकली आपके हैमस्ट्रिंग में आएगा, आपके इनर थाई में आएगा और आपकी बूटी पर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ओके, रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। देखिए इसमें ना लंजेस हम करने वाले हैं, अगर आपके घर पे काफ़ी सारा स्पेस है तो आप वॉक लंजेस करिएगा, जो वॉकिंग लंजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। कैसे करना है मैं आपको स्लाइटली सा थोड़े से एरिया में बताती हूँ, आप अपने घर में प्रॉपर जो आपका एक ब्रेथ होगा, घर का चौड़ाई होगी या लंबाई होगी, तो उतने एरिया में आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है, ठीक है। अब हम एक तरफ एक कॉर्नर में खड़े हो जाएंगे, 1 फीट हम आगे रखेंगे, 1 हैंड में वेट ले लेंगे हम, ठीक है, और आपका जो पीछे वाला घुटना रहेगा वो स्लाइटली सा जमीन से बस टच होने तक ऊपर रहेगा, बहुत स्लाइटली सा, लाइक दिस, ठीक है। आपका जो नी है वो आगे नहीं जाएगा, 1 2, ठीक है, ये वाले हमने ऐसे बढ़ते जाना है पूरे रूम में। अब हम जैसे नी शिफ्ट करेंगे जो फ्रंट नी रहेगा वहीं पे वेट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हो गई है वॉक लंजेस, ठीक है।
इसका जो ऑप्शन है स्टैंडिंग का वो भी बता देती हूँ, अगर आपकी नीज में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आप नी बैंड पहन के उसके बाद में आप एक जगह पे रुक कर भी कर सकते हैं। अब अदर साइड करेंगे हम, जितनी बार दिखाया जा रहा है बस आपने एज इट इज करना है। रिलैक्स, जितनी वीडियोस में मैं आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ ये आपको एक लिमिट के लिए यानी 1 वीक के लिए करना है, देन अपने आपको ग्रेजुअली जो चीजें हैं टाइमिंग्स हैं वो आपको इंक्रीज करने हैं, एक टाइमिंग पे या इतनी एक्सरसाइजेस पे स्टेबल नहीं रहना, नहीं तो कुछ टाइम बाद वो चीज़ें हमें इफेक्ट देना बंद कर देती हैं। तो ऑलवेज ट्राई करें कि अगर मैंने 3 राउंड्स बताए हैं तो नेक्स्ट वीक आप 4 राउंड्स करें और उसके नेक्स्ट वीक 5 राउंड्स करें, ठीक है। गुड लक। बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इसके लिए आपको इस तरीके से ले जाना है, वेट को आपने यहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है और होल्ड करना है, पेट आपका खिंचा रहेगा, अंदर की तरफ स्क्वीज रहेगा, हिप आपके स्क्वीज रहेंगे। पोजिशन होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स मिनिमम, मैक्सिमम जितना ड्रा सकते हैं, देन धीरे 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 डाउन। रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, हैंड्स को यहाँ पर प्लेस करना है, दोनों नीज के बीच में गैप मेंटेन करना है, देन उसके बाद में इस तरीके से आपने पोजीशन ले लेनी है, राइट। उसके बाद में आपने क्या करना है, अपने 1 लेग को अप करना है, देन डाउन, मैट से टच नहीं होगा, वहीं से बैक हो जाएगा। ओके, रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं।
गाइज आई होप ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। ऐसे कुछ और नए सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज पर है तो जरूर उसको फॉलो करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। टेक केयर।